वेलकम बैक ऐसा एक खतरनाक फोन खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे के अराउंड बहुत सारे फोन आ रहे बहुत सारे बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर फोन तो बड़ी दिक्कत आती है बट ऐसा एक अभी भी फोन मैं बोल सकता हूँ इसको अंडर ऐसा एक फोन बचा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आफ्टर अपडेट मैंने बहुत सारे अपडेट भी इसके अंदर दिए है उसके बाद बहुत सारी चीजें अच्छी हो चुकी है हा गाइज ये है आईको

28,000 के अराउंड आई थिंक 27 या 28,000 के अराउंड ट्वेंटी सेवन या ट्वेंटी मुझे फटाफट फोन बाय करने पड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा भी करना है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना। तो कोई भी फोन हो मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ कि उसका डिस्प्ले कैसा होता है और इस फोन का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ही डिस्प्ले है क्योंकि इसके अंदर हमें सिक्स इंच फुल एच डी डिस्प्ले डिस्प्पले मिलता है के साथ आता है और जितना मैंने इंडोर में भी टेस्ट किया और आउटडोर ब्राइटनेस भी मैंने देखी डायरेक्ट हर्ष लाइट कंडीशन में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती डिस्प्ले विजिबल होता है तो विजिबिलिटी ठीक ठाक

Zone. that's the only way i know feeling low about to blow back up i'll never let the doubt creep in gotta pop a couple more. उसके साथ मैंने नेटवर्क भी देखा तो आठ फाइव जी के बैंड देखने हैं और फाइव जी कनेक्टिविटी में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सिग्नल स्ट्रेंथ की हाँ, तो कुछ डाउनग्रेड आया है या अपग्रेड आया है देखो बता देता हूँ इसके अंदर हमें डेमेटी का एट थाउज टू हंड्रेड देखने में मिल जाता है जो यार बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है क्योंकि हमें आठ लाख से नौ लाख के बीच में मिल जाते हैं और जितना मैंने इसके अंदर सीपीयू फिल्म भी देखा तो

करने के बाद भी ऐसे कोई मतलब इसके अंदर इशू मुझे देखने को नहीं मिले हाथ स्टार्टिंग में कुछ ब्लॉडवे मिल गए थे बट मैंने कर दिए और यहाँ पे कोई एड्स वगैरह नहीं आती है जैसे कि से उन में आप कुछ भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर तो वैसे एड इसके अंदर बिल्कुल नहीं आती इंस्टॉल करने के बाद भी और जितना मैंने देखा यूआई बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है नॉर्मल एप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बहुत ही ज्यादा मस्त है बट यहाँ पे आई फोन अभी तक सुधरा नहीं है कैमरा ऐप को आप ओपन और क्लोज करते हो तो थोड़े से जिटर आते हैं ये फिक्स करना चाहिए और जितना मैंने यहाँ पे रेट को भी ट्राई किया ना तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी वन ट्वेंटी हॉट्स मस्ट चलता है चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या यूट्यूब यूज कर रहे हो सभी जगह आपको वन ट्वेंटी हॉट का मजा पूरे पूरे मिलेगा उसके बाद मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर के अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स है जो जैसे कि ऑन डिस्प्ले वगैरह हो गया और उतना ही नहीं आप इसका डिफॉल्ट डायलर भी इनेबल कर सकते हो उसके साथ इस डिफॉल्ट आइकन के डायलर के साथ आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का बिल्कुल इशू नहीं है बाकी दो मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसके अंदर आएंगे और थ्री इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलती रहेगी तो सॉफ्टवेयर तो देखो हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसका नाटक नहीं

किया है अब जहाँ पे मैं कैमरा टेस्ट कर रहा था नॉर्मल लाइट कंडीशन है बादल वगैरह रेनी जैसा सीजन है तो इस मीडियम लाइट कंडीशन पे क्या है नॉर्मल शॉर्ट लिए डिटेल्स भी है डायनेमिक रेंज भी सही है कलर साइस भी अच्छा देखने में मिल जाता है उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट मोड भी ट्राई किया तो एच रिडक्शन पूरा प्रॉपरली हो रहा है और उसके साथ चेहरे के ऊपर डिटेल्स भी आ रही कलर साइस भी बहुत मस्त है इवन मैंने थोड़ी सी लाइट कंडीशन के अपोज

कुछ थे इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट बट अब कुछ एवरेज पॉइंट भी देखने मिलते हैं तो सबसे पहला है कि ये हाँ किसी के लिए एवरेज पॉइंट हो सकता है तो पर कि किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, वो है कि इसकी ओवरऑल डिजाइन देखो पूरा फोन यहाँ पे हमें प्लास्टिक का ही हाँ पे देखने मिलता है आज के टाइम पे थ्री हमें ग्लास भी देखने मिलता है और लेदर का बैग भी देखने मिलता है बट हाँ ये प्लास्टिक का है बट मैट फिनिश टाइप आता है प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो बिल्कुल इसके ऊपर उंगलियों के वगैरह निशान नहीं आते ना इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच आया है प्रैक्टिकली बात करें तो हाँ यार यूज करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मतलब बोरिंग जैसा ही लुक लगेगा क्योंकि यही डिजाइन बहुत दिनों से आईकू फॉलो कर रहा है और लगभग वन नाइन टू या वन नाइन थ्री ग्राम क्या मिलता है वेट में। तो हाँ मेरे हाथ थोड़े बड़े है, तो मुझे वन है कि डिजाइन देखो किसी को पसंद आ सकती है बट किसी को आ भी नहीं सकते डिपेंड करता है बाकी यार इसके 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 अलावाज पॉइंट ऐसा मेजर मुझे नेगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है मतलब क्या ही बोलू मैंटिव के लिए तो ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें नहीं मिलती अंदर बाकी यार क्या इस फोन को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एट द एंड देखो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट कुछ एक दो अवरेज पॉइंट भी देखने मिलते

का और वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर सकते हो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों